सोनिया सोनिया बेबी ठीक तो हो ना तुम? सोनिया सोनिया तुम ठीक हो ना? हाँ I'm okay. God. क्या हुआ सोनिया? तुम ठीक तो हो? हाँ बस वकार मेरा दिल बहुत मतला रहा है. Not well. तुम जाओ जाके इनके लिए कोई जूस बना के लाओ. जी सर. जी तुमने कोई मेडिसिन कोई कुछ लिया? हाय सोनिया डार्लिंग क्या हुआ मेरा बच्चा? रॉकी डार्लिंग देखो ना मेरी तबीयत कितनी खराब हो गई है. दिल बहुत घबरा रहा है. माय पुअर डार्लिंग. वकार तुम्हें तो ऑफिस जाना होगा ना. तुम जाओ मैं सोनिया का ख्याल रख लूंगा. ठीक है. वैसे सोनिया तुम ये बच्चे का ड्रामा कब तक चलाओगी? रॉकी तुम्हारी फिक्र करने की बात नहीं है. मुझे पता है मुझे कब कब क्या क्या करना है. डोंट वरी. वैसे डार्लिंग मुझे तो तुम्हारी बहुत फिक्र होती है. कहीं तुम्हारा बोल खुल गया तो यू नो. मुझे तो ये सोच सोच के ना कभी कभी कुछ कुछ होता है. देखो मेरे तो हाथ भी अभी से काम है. यू नो आई थिंक आई नीड अ स्मोक. वैसे अगर तुम्हारा पोल खुल गया तो मेरी तो लगी लगाई बंद हो जाएगी ना डार्लिंग. क्यों ऐसी बातें सोचते हो? क्यों फिक्र करते हो? ए रॉकी इतने दिन हो गए सिगरेट पिए हुए. थैंक यू. बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया जिगर माँ बड़ी आग है. डिंग 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 डिंग. मैडम आपका जूस. हाँ लो. और सुनो इन आंखों ने कुछ नहीं देखा समझी तुम? जाओ यहां से. बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया जिगर माँ बड़ी आग है. टिंग 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 टिंग. What's up? Hey, this mobile game is so cool, man. Mobile छोड़. पता है तुझे जब एनी के घर पर हमला हुआ तो मुझे लगा तुझसे ज्यादा खुदगर्द इंसान इस दुनिया में नहीं है. लेकिन एनी की नानी की चूड़ियां वापस करकर मेरी बात मानकर तूने साबित कर दिया कि तू एक महान इंसान है. You're truly great, my friend. पता है कभी कभार मुझे तेरी बिल्कुल समझ नहीं आती है. जब तू अच्छा बनने पे आता है तो बहुत अच्छा बन जाता है और जब बुरा बनने पे आता है ना तो बहुत बुरा बन जाता है. तेरी जिंदगी में कोई दरमियान की चीज नहीं है. क्या क्या मतलब क्या है तेरे कहने का? मेरा मतलब ये है कि नानी की चूड़ियां वापस करने का आइडिया मेरा नहीं था तेरा था. और वैसे भी नानी की चूड़ियां मैंने इसलिए वापस नहीं की कि मैं उनका दिल जीत सकूं. वो तो मैंने इसलिए किया ताकि मेरी शादी ना रुके. और ये शादी मैं क्यों करना चाहता हूं तू बहुत अच्छे तरीके से जानता है.
इतना प्यारा हार था वो, पूरा डायमंड्स ही डायमंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक इतने बड़े बड़े इयररिंग्स थे उसके। मैंने तो कहा बकार से मुझे साथ में मैचिंग ब्रेसलेट भी चाहिए। वाह है ना। अब तुम्हारे लिए स्वीट हार्ट मैंने एक घड़ी पसंद की है, इट्स ऑल गोल्ड, ठीक है, और ऊपर डायमंड्स है, और जो डायल है ना उसका। अस्सलाम वालेकुम। हाय हनी, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। वो पापा कहाँ है? कहाँ हो सकते हैं, किचन में। चलें ठीक है, मैं जाती हूँ उनके पास। ए शिवानी, तू लगती है नानी, तू आइटम पुरानी। ओह गॉड, मुझे एक आइडिया आया। तुम दाद दोगे मेरे शैतानी दिमाग की जब तुम्हें बताऊंगी। हाँ नताशा, हाय, कैसी हो? बस मैंने पूछना था कि तुम लंच के लिए फ्री हो, तुम्हें किसी से मिलवाना है। हाँ ऑलराइट, सी यू, तुम जाओ। हसीना ये पतीला इधर लेकर आओ। और जाओ जल्दी से चावल साफ करो तुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। अरे वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छा हुआ यानी तुम आ गई। तुम्हें मालूम है आज मैं साथ के लिए अपना खानदानी यखनी पुलाव बना रही हूँ। साथ को ये पुलाव बहुत पसंद है। देखो भाई सारी चीजें इसमें तैयार है, ठीक है, गरम मसाला रह गया, बस वो तुम डाल देना। और चावल हसीना साफ कर लिए, चावल धोकर इसमें डालेंगे और दम आएगा। क्या क्या मसाले डालें ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, मैं चाहती हूँ कि तुम भी सीख लो, क्योंकि अब मेरे बाद तुमने ही बनाना है। मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो पापा आप जाके बैठ जाए ना और मुझे बताते रहे, मैं बनाती हूँ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ। बस फिर क्या आपा, मुझे फाउंडेशन का काम रोकना पड़ा। जाहिर है जब मुझे फाइनेंसेस नहीं मिलेंगे तो मैं कहां से चलाऊंगा फाउंडेशन। अब नए सिरे से फाइनेंसेस के पास जाना होगा डोनेशन के लिए। भाई अफसा, अच्छे काम के लिए तो हर शख्स पैसे देने को तैयार हो जाएगा, और वैसे भी ये तो बेसहारा और बेघर औरतों के लिए काम हो रहा है। आपा इतना आसान नहीं है, लोग आसानी से पैसा नहीं निकालते। पर एक तो महंगाई ने कमर तोड़ दी है, दूसरे दो नंबर लोग जो मार्केट में है इन कामों पे झूठा पैसा वसूल रहे हैं, उनसे भी लोग डर गए हैं। आप सोच नहीं सकती कैसे कैसे सवालात के जवाब देने पड़ते हैं मुझे। भाई तुम्हारी नीयत तो साफ है ना, और मेरा तो ये ख्याल है कि अगर आपकी नीयत सही है तो फिर कोई भी आपके काम को होने से रोक नहीं सकता। आपा अल्लाह जानता है मेरी नीयत तो बिल्कुल साफ है। आज दो फाइनेंसर से और मीटिंग है, अल्लाह करे वो फाउंडेशन के लिए पैसे दे दे। दुआ कीजिएगा मुश्किल आसान हो। हाँ इंशाल्लाह आज तुम्हें पैसे जरूर मिल जाएंगे और फाउंडेशन का काम फिर से शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर शुरू हो गया। देख बानो, एनी को बताने का मेरा दिल नहीं चाह रहा, मगर क्या करूं, उसकी शादी हो रही है, हमें बताना तो होगा। क्या उसे बताना, बहुत जरूरी है। कैसा चल रहा है, आगे भी ऐसा ही चलेगा? नहीं बानो, उसे ना बताना झूठ बोलने के बराबर होगा। मौलवी साहब कह रहे थे कि निकाह के वक्त झूठ बोलने से निकाह नहीं होता।
हमें बताना होगा कि वो हमारी नवासी नहीं और हमारी तो औलाद ही नहीं हुई। और अगर ऐनी ने ये पूछ लिया कि तुम उसे कहां से लाए थे तो तुम्हें मैं उसे कह दूंगा कि मैं उसे कूड़े के ढेर से उठा के लाया था। तुम्हें मालूम है साथ को पुलाव के अलावा ना पालक गोश्त और नरगिसी कोफ्ते बहुत पसंद है। अच्छा तो आपा आप कल मुझे नरगिसी कोफ्ते बनाना सिखा दें। क्यों नहीं, जरूर सिखा दूंगी। मजे की खुशबू आ रही, क्या बन रहा है? हसीना जी, बीबी जी इधर आओ, पानी दो। जल्दी करो। गॉड नरगिस आपा, आपने नौकरों को बिल्कुल तमीज नहीं सिखा रखी। जाओ। अरे एनी स्वीट हार्ट, मैं सोच रही थी कि हमें एक साथ बैठने का मौका ही नहीं मिला, तो क्यों ना आज बाहर लंच के लिए चले। पर अभी तो मुझे आपा के साथ मिलके खाना बनाना है। खाने की फिक्र ना करो तुम, यहाँ पर खाने वाले बहुत हैं। एक्चुअली एनी ने पुलाव जो है खास तौर पर साद के लिए बनाया है। लेकिन साद को तो हम लंच पे साथ लेके जा रहे हैं ना, है ना? ओके फाइन, अगर इट्स सच अ बिग डील, अगर इतना मसला हो रहा है तो आप थोड़ा सा पुलाव बचा के रख लीजिएगा साथ के लिए। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, रेस्टोरेंट में मजे की स्टेक खाने के बाद आई डोंट थिंक साथ को ये भूसा हुआ पुलाव पसंद आएगा। खैर एनीवेज एनी, कैसी लग रही हो? मैं प्यारी लग रही हूँ ना? ऑफ कोर्स लग रही हो। आओ ना एनी, चलते हैं। आ जाओ साथ। देखिए एक बात को गौर से समझ लीजिए, मैंने ये फाउंडेशन बेघर औरतों को भीख देने के लिए नहीं बनाई, बल्कि हम ये चाहते हैं कि वो हमारी फाउंडेशन में आए, हम उन औरतों को हुनर सिखाएं ताकि वो यहां से जाकर अपने पैरों पे खड़ी हो सके। आ जाओ। कम कम। I love this place. The food is marvelous. वहां बैठे, आ जाओ ना, वहां बैठे। साथ लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे कितना हमने फन किया था। अ
या मेरे लिए तो वही मेरा फेवरेट फिले मेन्यू रहेगा। अच्छा एंड आई विल हैव द कैलामारी। साथ आप मेरे लिए भी कुछ मंगा दे। और ऐसे कैसे हो सकता है एनी, साथ को क्या पता तुम्हें क्या पसंद है क्या ना पसंद। चलो बताओ, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? यू वांट टू हैव स्टेक, यू वांट टू हैव सी फूड, यू वांट टू हैव ग्रिल्ड? आप लोगों ने जो मंगाया है मेरे लिए वही मंगा दे। प्लीज एक ये फिल्म मेन्यू और कर दे। एंड आई वांट टू हैव अ मार्गरिटा विद दैट। मार्गरिटा, थैंक यू। मैम आपके लिए नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं आता मुझे, मुझे बिल्कुल तमीज नहीं है। अच्छे लोगों में मैं बैठने के लायक ही नहीं हूं। तुमसे ये सब उन लोगों ने कहा है? अरे उन्हें भूख लगेगी तो वो खुद आके रोटियां ले जाएंगे। अब से शादी तक तू कोई काम नहीं करेगी और घर से बाहर कदम नहीं रखेगी, समझी? कहाँ लेके जा रहे हैं? जी जी और समीर पापा को एक्टिंग के लिए लेके गए हैं। सारे दिन कम से कम बैठे उनका दम घुटने लगा। दुनिया ठीक है ना आनिया? अरे मेरी जान, तुम्हें तो खुदा ने फरिश्ता बना के मुझे मेरे बच्चे। समीर, समीर आ रही होगी ना? इस दुनिया की कोई भी बेटी अपने बाप को मरते हुए नहीं देख सकती। मैंने जो कुछ किया वो एक बेटी का फर्ज था। मैं देख रहा हूं कि उसके आने से इस घर में रौनक सी आ गई। तुम्हारा दिल भी बहल गया और मैं भी तुम्हारी कड़वी कसीली बातों से बच गया। करना छोड़ दो समी। अब तुम भी बेनियाजी छोड़ दो। आज सुबह जब मेरी तबीयत खराब हुई तो तुम्हारे पास इन्हेलर नहीं था। अब तुम पता कि अस्थमा के मरीज को किसी भी वक्त उसकी जरूरत पड़ सकती है। डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग, जॉगिंग के लिए निकली तो बैग लेना भूल गई। तुम तो जानते हो ना, खाना खाते हुए टेबल पे भी इन्हेलर मेरे पास होता है। और अपना काम दूसरों को मत सौंपा करो। आज भी घर से निकलते ही तुमने मेरी व्हील चेयर समीर के हवाले कर दी थी। आइंदा एहतियात करना।
मुझे ऐसा लगता है जैसे आनिया तुम्हारे मोहब्बत के ट्रांस से कुछ कुछ बाहर आ गई है। ऐसी बात नहीं है सानिया, अंकल के एक्सीडेंट ने कुछ देर के लिए उसके दिल में बाप की मोहब्बत पैदा कर दी, लेकिन इस एक्सीडेंट के पीछे मुझे किसी की प्लानिंग की परछाइयां दिखाई दे रही हैं। ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। अगर आनिया में वक्त पे ना पहुंचती तो इत्तेफाक अंकल की मौत बन जाता। जब तुम आनिया की तारीफ करते हो तो मैं भी जेलस फील करती हूँ। ओह, तो बात यहां तक पहुंच चुकी है। हाँ, जब मैं अपनी गर्दन झुका के अपने दिल की तलाश लेती हूँ तो वहां मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। जाने क्यों सानिया, तुम्हारी बात पे यकीन करने को जी नहीं चाहता। क्या मैं तुम्हें झूठी लगती हूँ? जिस दिल में क्राइम होना सानिया, उस दिल में मोहब्बत झांक कर भी नहीं देखते। तुम मुझे क्रिमिनल समझते हो। मेरे तुम्हारे दरमियान होने वाली डील क्राइम नहीं है तो और क्या है हनी? तुम मेरी फ्यूचर प्लानिंग्स को क्राइम का नाम मत दो ज़ैन। हकायक से नजरें मत चुराओ सानिया, किसी की जिंदगी से खेल के अपने मुस्तकबिल को आबाद करना इखलाकी और कानूनी जुर्म है। हो प्रोफेशनल प्ले बॉय, आज मुझे इखलाक सिखाने की कोशिश कर रहे। तुम्हारी बात मुझे हैरान करने के लिए काफी है। मुझे प्रोफेशनल गुर्बत ने बनाया है, जानता हूं कि मैं बुरा हूं, लेकिन तुम भी मेरे सामने अपने आप को ठीक साबित करने की कोशिश मत किया करो। शायद तुम्हें इन फ्यूचर अपनी जिंदगी का साथी बनाने का फैसला मुझे नहीं करना चाहिए था। उस फैसले की आड़ में तुमने मुझे डिस्कस करने की जरूरत की। सच की कड़वाहट ने तुम्हारे लहजे को भी कड़वा कर दिया सानिया। आज पहली बार मैंने सच बोला और तुम्हें गुस्सा आ गया। मान लो सानिया कि हम जैसे कमजोर लोग मोहब्बत करने का ढंग जानते ही नहीं है। हम मोहब्बत का नाम तो लेते हैं लेकिन मोहब्बत से काम नहीं लेते। इतना जान लो सानिया, प्यार करने के बाद कुर्बानी की रस्म और सब्र की सूली के अलावा हमारे हाथ कुछ नहीं बचता। सॉरी, मैं गलत कह गई थी। ज़ैन, याद रखना मैं तुम्हें आनिया से ज्यादा प्यार करती हूँ। खोपड़ी बनाई है मुझे डराने के लिए। जी जी
जी जी, ये सुर्ख रंग खतरे की अलामत होता है। मुझे को बताना चाहता है कि मेरी जान खतरे में। बेबी, इस बात को तो सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। हाँ चलो चलो मेरे साथ चलो। आओ आओ।